हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में वास करता है। क्या ये सच है? अगर सच है तो हम उसको देख क्यों नहीं पाते? क्या ईश्वर निराकार है या साकार है? अगर निराकार है तो हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? अगर साकार है तो हमें वो दिखता क्यों नहीं? आज की हमारी ये पेंटिंग भी इसी विषय पर बनी है, जिसमें वेद और भगवद गीता दोनों से इंस्पायर होकर भगवान की ये पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। ये सूत्र यो हिरण्याम सूर्यादिनाम तेजसाम गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्य गर्भ, इसका अर्थ ये है कि जो अत्यधिक तेज वाले तारे हैं उसका गर्भस्थानीय ब्रह्मांड है, उसी में सबकी उत्पत्ति होती है, निवास होता है और मृत्यु होती है, इसीलिए उस ईश्वर को हिरण्य गर्भ कहते हैं। इसमें प्रमाण यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 4था मंत्र है और श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक भी इसकी पुष्टि करता है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तैस्ववस्थितः। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये पूरी सृष्टि मुझ निराकार परमात्मा से पानी से बर्फ की तरह ढकी हुई है। सब कुछ, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ मेरे अंदर समाया हुआ है, मेरे अंदर ही स्थित है, लेकिन मैं किसी के अंदर स्थित नहीं होता। यहाँ पर भगवान हमें ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ वो इतने विशालकाय है कि सब कुछ वो अपने अंदर समा सकते हैं, और कोई आज तक इतना विशालकाय नहीं हुआ कि भगवान को अपने अंदर समा ले। मतलब कि सब कुछ उनके अंदर समाया हुआ है तो वो सभी जगह मौजूद होंगे पूरे ब्रह्मांड में। और यहाँ पर हमें ये भी उत्तर मिल गया कि वो निराकार है या साकार है। भगवान ये कहते हैं कि उनसे पानी से बर्फ की तरह ये सृष्टि ढकी हुई है। पानी निराकार होता है, बर्फ साकार होता है, तो वो निराकार भी है और साकार भी है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सूर्य, उनको हम अपना भगवान मानते हैं क्योंकि उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से हमारा जीवन की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर हम उसको उदाहरण लेते हैं क्योंकि वो तारा है। और यहाँ पर हमारी पेंटिंग में तारा के ऊपर ही पूरी पेंटिंग बनी हुई है, तो एक उदाहरण ये लेते हैं कि तारा बनता कैसे है। जब तारा बनने से पहले नेब्यूला होता है, जिसको निहारिका बोलते हैं, वो निराकार होता है, उसमें सिर्फ गैस का एक बादल होता है, लेकिन उसके कण आपस में जुड़ने से ग्रेविटी पैदा होती है और ग्रेविटी से वो और जुड़ते हैं, पास पास आते हैं, फिर घर्षण से वो आग लगती है और फिर चमकने लगता है, फिर वो सितारा बनता है। अब वो साकार है और उसके अरबों सालों के जीवन के बाद जब उसकी सारी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है तब उसके वही कण धीरे धीरे अलग होने लगते हैं और वो फिर से बिखर जाता है, फिर वो निहारिका बन जाता है, यानी कि नेबुला हो जाता है, वो फिर से निराकार हो जाता है। तो यहाँ पर तारे को साकार करने वाली और निराकार करने वाली जो शक्ति है उसी को ईश्वर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ईश्वर को कैसे दिखाना चाहता था इस पेंटिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।